1920 में अर्ल डिक्सन ने एडहेसिव बैंडेज का आविष्कार किया था ताकि उनकी पत्नी अपने जख्मों को आसानी से ढक सके। जी हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करने वाले अर्ल डिक्सन की पत्नी किचन में काम करते समय अक्सर ही अपने हाथ जख्मी कर लेती थी, जिसके बाद उन्हें कपड़े वाली पट्टी बांधनी पड़ती थी जो जख्म पर चिपक भी जाती थी और वो पानी या बैक्टीरिया से जख्म को बचाती भी नहीं थी। इसी चीज को ध्यान में रखकर अर्ल ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बैंडेज तैयार की जाए जिसे जोड़ना भी आसान हो, वो जख्म को कवर भी अच्छे से करे और भीगने से भी बचाए। इसी सोच के साथ अर्ल ने अपनी पत्नी के लिए एक एडहेसिव बैंडेज तैयार की और बैंडेज के इसी आइडिया के बारे में अपनी कंपनी को भी बताया, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को इतना पसंद आया कि उसने बैंडेड नाम से दुनिया के पहले एडहेसिव बैंडेज को मार्केट में लॉन्च कर दिया और कुछ ही सालों में छोटे जख्मों को ढकने के लिए एडहेसिव बैंडेज लोगों की पहली पसंद बन गई।